नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु भारद्वाज और मेरे साथ है रोशन सिंह, नेचुरोपैथ। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि हमारे अंदर केमिकल्स जाने के कौन कौन से जो है सोर्सेज हैं हमारे पास। वो ये देखिए, इस तरह की ट्यूब्स बहुत सारी हमारे घर में होती हैं, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो शेविंग क्रीम है, चाहे वो किसी भी तरह की ट्यूब है, कोई भी तरह की ट्यूब रहती है, तो उसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन स्ट्रिप लगी हुई है, आप देखिए ध्यान से। इसी तरह से कईयों के ऊपर ब्लैक, कईयों के ऊपर ब्लू, कईयों के ऊपर ऊपर रेड स्ट्रिप लगी होती है। तो जो अगर इसके ऊपर ये ग्रीन स्ट्रिप लगी हुई है, इसका मतलब कि ये एक केमिकल फ्री चीज है, इसको आप बिना किसी नुकसान के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यानी कि ये 100% जो है नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये जो पतली स्ट्रिप आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, अगर इसकी बजाय ये ब्लैक कलर की है, कईयों के ऊपर ये ब्लैक कलर की होती है, अगर वो ब्लैक कलर की है, दैट मीन्स कि उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स मिले हुए हैं और वो आपके लिए जो है हानिकारक है, और उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर ट्यूब के ऊपर ये स्ट्रिप जो है लगी होती है, कलर कोडिंग जो है इसकी होती है। अगर ये ब्लू कलर की है, दैट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई मेडिसिन डाली गई है, उसमें कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होंगे और कुछ दवाइयां डाली गई होंगी। तो अक्सर अगर आप देखते हैं कि अगर आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कोई टूथपेस्ट देते हैं, तो उसके ऊपर ये ब्लू कलर का स्ट्रिप होता है। अगर ये स्ट्रिप रेड कलर की है तो उसमें भी कुछ नेचुरल मटेरियल के साथ, कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ में कुछ केमिकल्स मिले हो सकते हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपने ये काली पट्टी वाला ट्यूब यूज करना है, नीली पट्टी वाला करना है, लाल पट्टी वाले करना है कि हरी पट्टी वाला करना है। जी रोशन जी, तो जैसे कि आपने अभी देखा कि ये टूथपेस्ट को आप कैसे पहचानेंगे, डॉक्टर अनु ने बताया। अगर आप इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहते तो आप नेचुरल चीज, आप नेचुरल टूथपेस्ट बना सकते हैं घर पे। उसके लिए आपको क्या क्या लेना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेना है आंवला, हरड़ बहेड़ा, पुदीना लेना है, लौंग लेना है, इसको उसमें हल्दी भी थोड़ा सा रख लीजिए, साथ में सेंधा नमक मिक्स कीजिए, सबको पेस्ट बना लीजिए, सब एक साथ मिक्स एक डिब्बे में पैक कर लीजिए। उसके बाद उसको आप सुबह सुबह सरसों का तेल मिला के उससे आप मुंह अगर टूथ साफ करते हैं तो उससे किसी तरह के आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और आपके जो दांत है वो साफ भी रहेगा हमेशा, किसी भी तरह के केमिकल्स बॉडी में नहीं जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।